हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंजंक्शन, और ये कंजंक्शन का पार्ट फोर है। इसमें मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में डिस्कस करूंगा। लेकिन इस पार्ट को देखने से पहले, इसके पहले के जो पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट थ्री, पार्ट टू और पार्ट वन, वो आप ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें मैंने कुछ बेसिक्स बताए हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। और कम्पिटेटिव एग्ज़ाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है, आपको रूल्स को नहीं रटना है। क्योंकि यदि आप कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, तो उस कॉन्सेप्ट के बेस पर कोई भी सेंटेंस या कोई भी प्रॉब्लम आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये ग्रामर का पार्ट है, इन सभी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए ये पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए, ये सब कॉन्सेप्ट्स मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो क्लास में। टिल, अनटिल, बाय क्या होता है, ऑल दो क्या होता है, ऑल दो इवन दो की जगह हम ऑल बीट, एक वर्ड है ऑल बीट, इसको भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा पुराना वर्ड है। एज, बिकॉज और सिंस मैं प्रीवियस वीडियो क्लास में बता चुका हूँ ऑलरेडी, और अनलेस और अनटिल और डिस्पाइट द फैक्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताऊंगा, और इसके बेस पर काफ़ी कन्फ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं टिल के बारे में, कि टिल, अनटिल और बाय में टिल किस तरीके से काम करता है। देखिए, टिल को हम केवल और केवल टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, टाइम बताने के लिए, ठीक है, प्लेस के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते। प्लेस के लिए या डिस्टेंस के लिए, डिस्टेंस के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे आई एम गोइंग टू आगरा, तो टिल क्या बताता है, टिल कंटिन्यूस एक्शन जो होता है उसका एंड पॉइंट बताता है, ठीक है। सपोज एक क्लास है, सपोज मेरी ये क्लास चल रही है, वो 10 बजे स्टार्ट होती है, और ये क्लास कंटिन्यूसली चलती है 12 बजे तक। तो ये क्या है, ये कंटिन्यूस एक्शन है, ठीक है। इस कंटिन्यूस एक्शन का जो एंड पॉइंट है वो है 12 बजे, तो यहाँ पर आप टिल लगा सकते हैं, यहाँ पर, ठीक है। और चूंकि टाइम की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर आप टिल लगा सकते हैं। तो कंटिन्यूस एक्शन का एंड पॉइंट होता है टिल, और डिस्टेंस का एंड पॉइंट होता है टू। टू के थ्रू हम डिस्टेंस के एंड पॉइंट को बताते हैं। कुछ सेंटेंसेस के थ्रू डिस्कस करते हैं इसको। देखिए, आई विल टीच यू टिल 6 PM, मैं आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन कब तक, 6 बजे तक, 6 बजे से पहले नहीं, 6 बजे यहां पर एंड पॉइंट है। तो इस तरीके से टिल का इस्तेमाल होता है। टिल जो है इसमें प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन क्यों है, क्योंकि यहां पर एक क्लॉज है, और यहाँ पर 6 PM एक पॉइंट है, इसको हम नाउन की तरह ट्रीट करते हैं, तो नाउन को ये कनेक्ट कर रहा है सेंटेंस के साथ, इसलिए टिल इस पर्टिकुलर सेंटेंस में जो है वो प्रपोजिशन है। अब ये वाला सेंटेंस देखिए, आई विल टीच यू टिल ही कम्स बैक, इसमें टिल क्या कर रहा है, इसमें टिल दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, एक सेंटेंस यहाँ पर है, एक सेंटेंस यहाँ पर है, इनको हम क्लॉज भी बोलते हैं। तो इसलिए टिल चूंकि जोड़ रहा है, इसलिए इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन, यानी टिल आपका प्रपोजिशन भी हो सकता है और कंजंक्शन भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस। सेंटेंस आपको देखना पड़ेगा कि सेंटेंस में उसका क्या काम है, किस तरीके से वो यूज़ हो रहा है, और यूज़ के बेस पर उसको आप प्रपोजिशन या कंजंक्शन कह सकते हैं। आई विल टीच यू टिल ही कम्स बैक, मतलब जब वो वापस आएगा, जिस समय वो वापस आएगा, उस समय तक मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू टिल ही कम्स बैक। अब वो समय कुछ भी हो सकता है, समय 6 बजे भी हो सकता है, वो फिक्स भी हो सकता है और नॉन फिक्स भी हो सकता है। और इस तरह के सेंटेंसेस में एक चीज और आप ध्यान रखें, कि टिल, अनटिल, अनलेस, इस तरह के सेंटेंसेस को, मतलब इस तरह के सेंटेंसेस वाला जो क्लॉज होता है, इसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। यदि आप यहां पर ऐसे बोलते हैं कि आई विल टीच यू टिल ही विल कम, तो ये गलत हो जाएगा। टिल के बाद वाला जो क्लॉज है उसको हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखेंगे और लिखते हैं। इससे पहले वाला जो सेंटेंस है उसको आप विल, कैन और मे के साथ लिख सकते हैं, तो इसको भी आप ध्यान रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आई विल एक्सरसाइज टिल द टाइम आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, मैं एक्सरसाइज करूंगा कब तक, जब तक मैं टोटली एग्जॉस्ट नहीं हो जाता, जब तक मैं पूरा थक नहीं जाता। तो टिल द टाइम एक्चुअली क्या है, कि इसमें एक एक फ्रेज हमने और लगा दिया, टिल को हमने टिल द टाइम बोल दिया, तो इसको हम टिल द टाइम को हम बोल सकते हैं कनेक्टर। कनेक्टर, कनेक्टर में दो या तीन वर्ड होते हैं, कंजंक्शन में एक ही वर्ड होता है, हालांकि कोई खास इनमें डिफरेंस नहीं है, ये दोनों ही कंबाइन करते हैं, लेकिन
इसको समझने के लिए आप इसको कनेक्टर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसमें इसमें क्या है, देखिए इसमें और मैं समझाते देता हूँ आपको। जैसे आई विल टीच यू टिल ही कम्स बैक में दो एक्शंस को इसने जोड़ा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इसमें आई विल एक्सरसाइज ये एक एक्शन है और आई एम टोटली एग्जॉस्टेड एक सिचुएशन है। तो एक्शन और सिचुएशन को इस कनेक्टर ने जोड़ा हुआ है, दो एक्शन को भी जोड़ सकते हैं और दो सिचुएशन को भी जोड़ सकते हैं। आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड मतलब थक जाना, थक जाना एक सिचुएशन है, एक कंडीशन है, ये एक्शन नहीं है। तो एक कंडीशन और एक एक्शन को यहाँ पर बीच में जो कनेक्टर है ये जोड़ने का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। आई विल टीच यू अंटिल 6 PM। देखिए टिल और अंटिल में ज़्यादा अंतर नहीं है, टिल के थ्रू हम सिंपल टाइम का पॉइंट दिखाते हैं, लेकिन अंटिल में, अंटिल के थ्रू हम कंडीशन को भी शो करते हैं। आई विल टीच यू अंटिल 6 PM और आई विल टीच यू टिल 6 PM, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन अंटिल का मतलब है, इसका मतलब ये निकलेगा कि जब तक 6 नहीं बज जाते तब तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये निकलेगा। लेकिन इम्प्लीकेशन जो है वो टिल और अंटिल का ऑलमोस्ट सेम है। अब देखिए आई विल टीच यू अंटिल अनदर टीचर कम्स, तो अंटिल क्या है इसमें, अंटिल दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है यहां पर, एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस ये है, या क्लॉज बोल सकते हैं। तो अंटिल इन दोनों को जोड़ रहा है, इसलिए अंटिल क्या हुआ यहां पर, कंजक्शन हुआ। यहां पर एक पॉइंट को सेंटेंस के साथ जोड़ रहा है, ये नाउन या प्रोनाउन को कंट्रोल करने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं, प्रपोजिशन। तो यहां पर अंटिल क्या है, प्रपोजिशन है, यहां पर अंटिल क्या है, कंजंक्शन है। तो इस तरीके से आपको इसको समझना है। और नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, यू कैन नॉट बोट अंटिल यू आर 18, जब तक तुम 18 साल के नहीं हो जाते तुम बोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये टाइम रिलेटेड कंडीशन है, टाइम रिलेटेड कंडीशन है प्लस टाइम है इसमें, तो इसलिए यहां पर हम अंटिल का प्रयोग यहां पर कर रहे हैं। तो यहां पर भी ये कंजक्शन की तरह काम कर रहा है। अब हम देखते हैं अंटिल नाउ, देखिए ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अंटिल नाउ का मतलब है कि कोई काम अभी तक नहीं हुआ, जिस समय आप बोल रहे हैं, लेकिन मतलब अभी तक नहीं हुआ, लेकिन उस जिस मूवमेंट पे सेंटेंस को बोल रहे हैं उस मूवमेंट पर कुछ काम हो चुका है, ठीक है। इसको मैं एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू बताऊंगा आपको। इन इंग्लिश द फ्रेज अंटिल नाउ इज यूज टू रिफर टू ए चेंज ऑफ सर्कमस्टेंसेस वेयर द चेंज हैपेंस नाउ, ठीक है। अंटिल नाउ का मतलब है कि कोई चीज इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक अभी तक नहीं हुई है, लेकिन जिस टाइम पर आपने ये सेंटेंस बोला है उस टाइम पर वो चीज हो चुकी है। जैसे यहां पर ये सेंटेंस देखिए आप, अंटिल नाउ आई हैव नेवर ईटन सुशी, मतलब अभी तक मैंने सुशी नहीं खाया, सुशी कोई डिश का नाम है। अंटिल नाउ आई हैव नेवर ईटन सुशी, मतलब अभी तक मैंने सुशी नहीं खाया है, लेकिन अब मैं सुशी को खा रहा हूं, ठीक है। इसका मतलब है, देखिए यहां पर मैंने लिखा भी है, दैट इट इज द फर्स्ट टाइम दैट स्पीकर हैज ईटन सुशी, अंटिल द प्रेजेंट मोमेंट द स्पीकर नेवर एट सुशी, नाउ द स्पीकर इज ईटिंग सुशी। ये इसका मतलब है कि अभी तक उसने कभी भी अपनी जिंदगी में सुशी नहीं खाया है, लेकिन अब वो खा रही है या खा रहा है। तो ये अंटिल नाउ का मतलब निकलता है। ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा एग्जाम्पल सेंटेंसेस के थ्रू। देखिए यहां पर देखिए, ये सेंटेंस मैंने लिखा है और ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है। Until now, the above document information haven't been provided by the banks. मतलब अभी तक जो ऊपर लिखे डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रोवाइड नहीं किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये है कि जिस समय ये सेंटेंस बोला जा रहा है उस समय डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि गलत है। मतलब इस सेंटेंस के थ्रू ये बोला जा रहा है कि ऊपर वाले जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अबव डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन हैवंट बीन प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स, अभी तक डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन बैंक के द्वारा प्रोवाइड नहीं की गई है, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर मूवमेंट पर उसको कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, यदि अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है तो अभी तक उसको कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, इसलिए ये सेंटेंस है गलत। यहां पर अंटिल नाउ की जगह आप सो फार आप लगा सकते हैं, इसकी जगह टू डेट आप लगा सकते हैं, एज येट लगा सकते हैं, या सो फार लगा सकते हैं, ठीक है। टू डेट मतलब अभी तक, आज की तारीख तक, एज येट मतलब अभी तक, सो फार मतलब आज तक। सो फार ये इनडेफिनेट है थोड़े से, एज येट मतलब अभी तक,
सो फार मतलब अभी तक, लेकिन टू डेट मतलब आज की तारीख तक, ठीक है? तो ये थोड़ा सा डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है एज येट और सो फार। अब देखिए इसका करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, टू डेट द अबव डॉक्यूमेंट्स इन्फॉर्मेशन हैवंट बीन प्रोवाइडेड बाय द बैंक, ये होगा इसका करेक्ट, क्योंकि अंटिल नाउ के साथ इसको आप बोलेंगे तो इस सेंटेंस का मतलब होगा कि सेंटेंस लिखते समय तक डॉक्यूमेंट और इन्फॉर्मेशन बैंक के द्वारा प्रोवाइड करा दिए गए थे, ठीक है? लेकिन सेंटेंस ये बोल रहा है कि अभी तक नहीं मिले हैं, तो इसलिए इसमें आप टू डेट का यूज करेंगे, ठीक है? एक सेंटेंस हम और देखते हैं, प्लीज बी एडवाइज दैट द रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट सेंड टू मिस्टर स्मिथ ऑन 17 सितंबर 2010 हैजंट बीन पिक्ड अप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस अंटिल नाउ। अंटिल नाउ का मतलब है कि इसमें एक एक कंपनी दूसरी कंपनी से बोल रही है कि रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट सेंड टू मिस्टर स्मिथ, पेमेंट की जो रिक्वेस्ट है जो स्मिथ को भेजी गई है वो 17 सितंबर 2010 तक हैजेंट बीन पिक्ड अप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस से वो अभी तक पिक नहीं की गई है। लेकिन ये जिस समय सेंटेंस लिखा जा रहा है इसका मतलब ये निकलेगा अंटिल नाउ का कि उस समय जिस समय सेंटेंस को लिख रहे हैं उस समय वो पेमेंट की रिक्वेस्ट मान ली गई है। लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस में ऐसा नहीं होता, इसमें ये बोला जाता है कि इस तरह का काम अभी तक नहीं हुआ है, नहीं हुआ है मतलब नहीं हुआ है, इसलिए इसमें हम अंटिल नाउ नहीं लगा सकते, इसमें हम सो फार लगा सकते हैं। प्लीज बी एडवाइज दैट द रिक्वेस्ट फॉर पेमेंट सेंड टू मिस्टर स्मिथ ऑन सेप्टेम्बर 2010 हैजेंट बीन पिक्ड अप फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, इसमें अंटिल नाउ की जगह कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हमने इसमें यूज किया है, ठीक है? इसका मतलब ये है कि अभी तक ये काम नहीं हुआ है, इस सेंटेंस का मतलब है कि ये काम अभी तक नहीं हुआ है लेकिन सेंटेंस लिखते समय हो गया है, जो कि गलत है, ठीक है? क्योंकि इस तरह के सेंटेंस में हम निगेटिविटी को बताते हैं कि वो चीज अभी तक नहीं हुई है, काफी इंपॉर्टेंट है ये सेंटेंस, ठीक है? और इसमें हम केवल अंटिल नाउ को हटा देंगे और ये सेंटेंस सही हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए एक सेंटेंस सेम है उसी तरीके का, ये सेंटेंस है वी डिक्लेयर दैट द डिमांडेड अमाउंट हैजंट बीन ट्रांसफर टू द बैंक अकाउंट अंटिल टुडे विच इज द फाइनल डेट फॉर रीपेमेंट, मतलब फाइनल डेट तक आज तक जो डिमांडेड अमाउंट है वो बैंक में ट्रांसफर नहीं हुआ है। लेकिन यदि इसमें आप अंटिल टुडे, ठीक है, इसमें आप लगा सकते हैं वी डिक्लेयर दैट द डिमांडेड अमाउंट हैजेंट बीन ट्रांसफर टू द बैंक अमाउंट टू डेट विच इज द फाइनल डेट फॉर रीपेमेंट, तो इस तरीके से इस सेंटेंस को बोल सकते हैं, अंटिल टुडे या अंटिल नाउ नहीं बोल सकते क्योंकि इसका मतलब होगा कि जिस समय आप सेंटेंस को लिख रहे हैं उस समय पेमेंट रिसीव हो गया है, लेकिन सेंटेंस का मीनिंग ये है कि पेमेंट रिसीव अभी तक इस डेट तक नहीं हुआ है, इसलिए अंटिल टुडे या अंटिल नाउ के स्थान पर आप टू डेट बोल सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब हम देखते हैं अंटिल एंड टिल, दीज टू वर्ड्स मीन एग्जैक्टली द सेम, दे कैन बी यूज बोथ एज प्रपोजिशन एंड कंजंक्शन, दोनों का मीनिंग सेम ही निकलता है, दोनों का मीनिंग सेम निकलता है, लेकिन अंटिल में हम कंडीशन का एलिमेंट भी लगा देते हैं, ठीक है? टिल केवल सिंपल टाइम का एक पॉइंट बताता है, हालांकि ऑलमोस्ट इनका मीनिंग सेम है। जैसे आप देख सकते हैं कि टिल इज मोर कॉमन इन एन इनफॉर्मल स्टाइल, नोट दैट इन अमेरिकन इंग्लिश अ कॉमनली सीन इनफॉर्मल स्पेलिंग ऑफ टिल इज टिल, लेकिन अंटिल और टिल में से टिल ज़्यादा कॉमन है, ठीक है? इनफॉर्मल इंग्लिश जो होती है, जो फॉर्मल इंग्लिश होती है जिसमें राइटिंग हम करते हैं उसमें हम अंटिल का यूज़ करते हैं, लेकिन टिल को हम बोलते समय भी यूज़ करते हैं। जैसे आप यहाँ पर ये सेंटेंसेस देख सकते हैं, आई वेटेड अंटिल 6 o'clock एंड देन आई वेंट होम, मैंने 6 बजे तक इंतजार किया और उसके बाद मैं घर चला गया। इसमें यहाँ पर अंटिल की जगह आप टिल भी लगा सकते हैं, ठीक है? आई विल वेट टिल आई हियर फ्रॉम ही यू, मैं इंतजार करूँगा जब तक मैं आपसे नहीं सुन लेता या आपकी कॉल मेरे पास नहीं आ जाती। तो यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि टिल और अंटिल वाला जो पार्ट है इसको आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखना है, ठीक है? इसको आप कंटिन्यूस टेंस, इसको आप फ्यूचर के साथ लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए इसमें द प्रपोजिशन टू इज समटाइम यूज इंस्टेड ऑफ टिल एंड अनटिल दिस यूजली हैपन आफ्टर फ्रॉम। फ्रॉम के साथ हम क्या लगाते हैं, फ्रॉम के साथ हम टू लगाते हैं, लेकिन इसके 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 स्थान पर आप टिल भी लगा सकते हैं। आई यूजली वर्क फ्रॉम 10 to 6, फ्रॉम 10 to 6 मैं 10 बजे से 6 बजे तक नॉर्मली काम करता हूँ। आई यूजली वर्क फ्रॉम 10 until 6 या टिल 6 भी आप बोल सकते हैं, ये सही एक्सप्रेशन है क्योंकि यहाँ पर भी आप टाइम की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट ही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट। अनटिल एंड टिल बोथ शो टाइम, ये केवल टाइम के लिए आते हैं, टिल और अनटिल। ठीक है, दे कैन नॉट बी यूज टू टॉक अबाउट डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए हम टिल नहीं लगाएंगे, अगर लगाते हैं तो वो सेंटेंस आपका हो जाएगा गलत। डिस्टेंस के लिए लगा सकते हैं आप टू लगा सकते हैं, आई एम गोइंग टू आगरा, मतलब आगरा तक मैं जा रहा हूँ। तक का मीनिंग को बताने के लिए आप एज फार एज भी लगा सकते हैं, मतलब उतनी दूरी जितनी दूरी आगरा की है। आई एम गोइंग टू आगरा की जगह आप बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू, आई एम गोइंग एज फार एज आगरा। फार मतलब दूर, मैं उतना दूर जा रहा हूँ जितना दूर आगरा है, मतलब मैं आगरा तक जा रहा हूँ, या अप टू भी बोल सकते हैं आप, अप टू। तो इसके स्थान पर टिल आप लगाएंगे तो ये सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत। अब यहां पर मैंने ये काफी सारे सेंटेंसेस लिए हैं, ये हैं इनकरेक्ट और करेक्ट सेंटेंस, तो यहां पर हम डिस्कस करेंगे ये सेंटेंस इनकरेक्ट क्यों है, रेड कलर का इनकरेक्ट है और ये करेक्ट है, लेकिन क्यों इसको हम डिस्कस करते हैं। वी वॉक एज फार एज द एज ऑफ द फॉरेस्ट, हम लोग चल कर गए कहाँ तक, फॉरेस्ट के एज तक, फॉरेस्ट के किनारे तक। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है, डिस्टेंस की या टाइम की, यहाँ पर बात हो रही है डिस्टेंस की, इसलिए हम एज फार एज लगा सकते हैं यहाँ, अनटिल नहीं लगा सकते क्योंकि ये टाइम रिलेटेड कंडीशन नहीं है। वी वॉक्ड अनटिल द एज ऑफ द फॉरेस्ट, अनटिल का प्रयोग इसमें हो गया गलत। ठीक है, क्वांटिटी को बताने के लिए आप अप टू लगा सकते हैं, अप टू 6 पीपुल। ठीक है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं दिस कार कैन सीट अप टू 8 पीपुल, मतलब इस कार में 8 लोगों तक बैठ सकते हैं, ये सही है। अब अप टू के स्थान पर आप अनटिल लगाएंगे जो कि टाइम के लिए आता है, तो ये सेंटेंस हो जाएगा गलत, दिस कार कैन सीट अनटिल 8 पीपल, तो अनटिल हो जाएगा गलत। ये इसके बेस पर कभी कभी काफ़ी कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस दिए जाते हैं, तो इसलिए ये बेसिक्स हैं लेकिन आपको अच्छे तरीके से इनको समझना है। बाय का मतलब होता है नॉट लेटर देन, इसके बाद नहीं। सपोज कोई काम हो रहा है और वो काम यहाँ से लेके यहाँ तक चल रहा है, तो वो बाय के थ्रू हम क्या बताएंगे कि वो काम यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, लेकिन इसके बाद नहीं। या तो इस पॉइंट पर वो काम हो सकता है ख़त्म, या यहाँ पर हो सकता है उससे पहले, या यहाँ पर हो सकता है, या यहाँ पर हो सकता है, या यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर नहीं। ये होता है बाय का मीनिंग। और बाय का एक सेंस और निकलता है कि बाय के थ्रू हम जो, देखिए टिल के थ्रू हम कंटिन्यूस एक्शन को बताते हैं, लेकिन बाय में ऐसा नहीं होता। बाय में जो एक्शन होता है वो इंटरमिटेंट होता है, वो रुक रुक के हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कंटिन्यूस एक्शन हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं यू कैन कंप्लीट द सिलेबस बाय 31 मार्च, यू कैन कंप्लीट द सिलेबस मतलब आप सिलेबस को 31 मार्च तक ख़त्म कर सकते हैं, या उससे पहले तक आप ख़त्म कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है 31 मार्च तक ही सिलेबस ख़त्म हो, क्योंकि ये काम कंटिन्यूस नहीं है, आप बीच में रोक भी सकते हैं उसको, लेकिन 31 मार्च तक ये हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर ये सेंटेंस देखिए आप, आई एम लीविंग फॉर जयपुर, मैं जयपुर के लिए निकल रहा हूँ, एंड विल कम बैक बाय फ्राइडे, और फ्राइडे तक मैं वापस आ जाऊँगा। तो बाय का क्या मतलब है, बाय का मतलब है फ्राइडे को, या उससे पहले थर्सडे को, या उससे पहले वेंसडे को मैं आ सकता हूँ, लेकिन फ्राइडे इसमें एंड पॉइंट होगा, फ्राइडे के बाद नहीं, फ्राइडे के पहले कभी भी मैं आ सकता हूँ। अब कम बैक जो है वापस आना, दिस इज़ नॉट अ कंटिन्यूस एक्शन, वापस आना का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस एक्शन थोड़ी है, वो तो कभी भी आ सकता है, तो इसलिए इसमें ये कंटिन्यूस एक्शन नहीं है। इसके अलावा बाय का मतलब होता है नॉट लेटर देन, उसके बाद नहीं, उससे पहले कभी भी लेकिन उसके बाद नहीं। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। अब देखिए ये दो सेंटेंसेस इनकरेक्ट हैं, इनकरेक्ट क्यों हैं, देखिए यू कैन कंप्लीट द सिलेबस टिल 31 मार्च, ये सेंटेंस देखिए देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, और सेम इसी तरीके के सेंटेंस आते हैं कंपिटेटिव एग्जाम्स में। यू कैन कंप्लीट द सिलेबस टिल 31 मार्च, कंप्लीट द सिलेबस करने का काम ये कंटिन्यूअस एक्शन नहीं है, बीच में आप रुक भी सकते हैं,
ठीक है, कुछ दिनों के लिए बाहर भी जा सकते हैं, उसके बाद आके फिर से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पर हम टिल नहीं लगाएंगे, यहां पर हम लगाएंगे बाय। आई एम लीविंग फॉर जयपुर एंड विल कम बैक टिल फ्राइडे। टिल फ्राइडे नहीं, कम बैक कोई कंटिन्यूस एक्शन नहीं है, ठीक है, टिल फ्राइडे के स्थान पर आएगा इसमें बाय फ्राइडे। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। देखिए ये दोनों सेंटेंसेस सिंपल लग रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम कितने कन्फ्यूजिंग है, और आप पता नहीं लगा सकते कि इसमें गलती कहां पर है। तो ये काफी कन्फ्यूजिंग सेंटेंसेस हैं। ऑल्दो और दो, इनका क्या मतलब है, इनमें अंतर क्या है? इन दोनों का ही मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद। ऑल्दो और दो का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ या इसके बावजूद, ठीक है। और इनको हम सबऑर्डिनेटर की तरह यूज करते हैं। इन दोनों ही वर्ड्स का मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, मतलब कॉन्ट्रास्ट हम बताते हैं कि इसके बावजूद, हार्डवर्क करने के बावजूद उसको सफलता नहीं मिली, ठीक है। ऑल्दो ही वर्क हार्ड ही कुड नॉट गेट सक्सेस, कॉन्ट्रास्ट हम बताते हैं इसमें। तो यहां पर देखिए ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और मैं अभी बता रहा हूं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस के डिफरेंस इसमें क्या है। देखिए ऑल्दो, इवन दो और दो कैन बी यूज एज कंजक्शंस। इन तीनों ही वर्ड्स को हम कंजक्शन की तरह यूज कर सकते हैं लेकिन इन तीनों में अंतर क्या है? दो को हम एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के एंड में, इसको अभी मैं बताऊंगा आपको। इवन दो और ऑल्दो में क्या अंतर है? इवन दो का मतलब है कि आप उस चीज पर कुछ ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑल्दो और इवन दो ये सेम वर्ड हैं लेकिन इवन दो के थ्रू आप बताते हैं कि उस पर आप ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। दो को आप कंजक्शन के अलावा एडवर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं सेंटेंस के एंड में। जब ये एडवर्ब की तरह यूज होता है तो सेंटेंस के एंड में ये यूज होता है, और कंजक्शन की जगह जब स्थान पर यूज होता है तो सेंटेंस के बीच में ये यूज होता है। देखिए सेंटेंसेस के थ्रू आपको ये समझ में आ जाएगा। ऑल्दो थोड़ा सा फॉर्मल है, दो थोड़ा सा कॉमन है, ये सही है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस। देखिए एवरी वन एंजॉयड द ट्रिप टू द फाइनल ऑल्दो वी लॉस्ट द मैच। एवरी वन एंजॉयड द ट्रिप टू द फाइनल मतलब फाइनल तक जो मैच हुआ उसको सभी ने एंजॉय किया लेकिन उसके बावजूद भी हमने वो मैच खो दिया या हम हार गए। तो ये है इसमें, ये क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। ये है सबऑर्डिनेटर, ये है मेन क्लॉज, ठीक है। इन दोनों सेंटेंसेस को इसने जोड़ा है इसलिए इसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेटर। तो इस तरीके से इसका यूज होता है। दो इट वॉज रेनी वी पुट ऑन आर जैकेट एंड वेंट फॉर ए वॉक। हालांकि ये रेनी था, चूंकि ये रेनी, हालांकि ये रेनी था लेकिन उसके बावजूद भी हमने अपनी जैकेट पहनी और हम बाहर घूमने गए। इस इन दोनों में अंतर क्या है? देखिए यहां पर भी ये कंजक्शन है, यहां पर भी कंजक्शन है। इन दोनों में अंतर ये है कि जब हम सेंटेंस को, जब हम ऑल्दो दो या इवन दो को सेंटेंस के शुरू में लगाते हैं तो इस क्लॉज के बाद हम कॉमा जरूर लगाते हैं यहां पर, लेकिन यदि ये बीच में आता है तो फिर हम कॉमा नहीं लगाते। यहां पर दो शुरू में आ गया है तो दो, ऑल्दो, इवन दो ये शुरू में भी आ सकते हैं क्योंकि ये सबऑर्डिनेटर हैं, लेकिन जब ये शुरू में आएंगे तो इसके बाद हम यहां पर कॉमा लगाएंगे, बीच में आएगा तो कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। इवन दो बोल सकते हैं, इवन दो का थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर फॉर्म है और कोई इसमें अंतर नहीं है। फॉर इम्फेसिस वी ऑफन यूज इवन विद दो। देखिए इवन को हम दो के साथ लगा सकते हैं लेकिन इवन को ऑल्दो के साथ नहीं लगा सकते। इवन ऑल्दो यदि आप बोलते हैं तो वो सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। इवन दो इट वॉज रेनी वी पुट ऑन आर जैकेट एंड वेंट फॉर ए वॉक, ये करेक्ट है सेंटेंस। अब यहां पर क्या किया, यहां पर इवन के साथ ऑल्दो लगा दिया है तो ये कॉम्बिनेशन जो है ये गलत है, ये सेंटेंस हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं। इवन दो आई अर्न अ लॉट ऑफ मनी एवरी मंथ आई नेवर सीम टू हैव एनी टू स्पेयर। हालांकि मैं हर महीने काफी पैसा कमाता हूं, आई नेवर सीम टू हैव एनी टू स्पेयर, लेकिन ऐसा लगता है कि मेरे पास कभी भी स्पेयर करने के लिए, फालतू खर्च करने के लिए पैसा नहीं बचता है, ठीक है। आई नेवर सीम टू हैव, तो यहां पर इसको हम बोलते हैं टू प्लस वी वन, ये
आई नेवर सीम टू हैव एनी स्पेयर, तो ये इस सेंटेंस का मतलब है। ऑल्दो एंड दो कैन इंट्रोड्यूस ING क्लॉजेस, यहां पर देखिए आप देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है, इंपॉर्टेंट, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ING क्लॉज को आपका ऑल्दो जो है ये इंट्रोड्यूस कर सकता है। कैसे इसको हम समझते हैं, देखिए एक टीचर बोल रहा है स्टूडेंट से, पीटर ऑल्दो वर्किंग हार्डर दिस टर्म स्टिल नीड्स टू पुट मोर वर्क इनटू मैथमेटिक्स। तो यहां पर क्या है, पीटर एक सब्जेक्ट है और पीटर की विशेषता बता रहा है ये वर्किंग हार्डर दिस टर्म, तो ये है, ये इसको आप बोल सकते हैं ये वर्किंग जो है ये पार्टिसिपल है क्योंकि ये इसकी विशेषता बता रहा है, पीटर की पार्टिसिपल होता है एडजेक्टिव, ठीक है, तो इसको आप प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल सकते हैं वर्किंग को, और इस पूरे को पार्टिसिपल क्लॉज आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो इस ING क्लॉज को ये यहां पर ऑल्दो जो है ये इंट्रोड्यूस कर रहा है, पीटर ऑल्दो वर्किंग हार्डर दिस टर्म स्टिल नीड्स, नीड्स किसके लिए आया है, पीटर के लिए, इसलिए इसमें हमने एस लगाया है, मतलब पीटर ऑल्दो वर्किंग हार्डर दिस टर्म स्टिल नीड्स टू पुट मोर वर्क इन टू मैथमेटिक्स। पीटर हालांकि इस टर्म में काफी कड़ी मेहनत कर रहा है, हार्डर यानी पहले से ज्यादा मेहनत कर रहा है, लेकिन अभी भी उसको ज्यादा वर्क करने की जरूरत है मैथमेटिक्स में। तो इस तरीके से ING क्लॉजेस के साथ ING क्लॉज को ऑल्दो जो है ये इंट्रोड्यूस कर सकता है। यहां पर एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं, द पेशेंट दो गेटिंग स्ट्रॉन्गर, ये भी सेम है, द पेशेंट सब्जेक्ट है और इसके लिए हम बोल रहे हैं गेटिंग स्ट्रॉन्गर, स्ट्रॉन्गर कौन हो रहा है, पेशेंट हो रहा है, तो इसलिए ये भी आपका जो है ये पार्टिसिपल फ्रेज है ये, क्योंकि इसमें ये ING फॉर्म यहां पर दिया गया है और दो इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो दो पेशेंट गेटिंग स्ट्रॉन्गर इज स्टिल नॉट वेल इनफ टू कम ऑफ हिज मेडिकेशन, मतलब पेशेंट पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो रहा है लेकिन अभी भी वो मेडिकेशन से बाहर आने की स्थिति में नहीं है, तो इस तरह के सेंटेंसेस में इसको दो और ऑल्दो को हम यूज करते हैं। यहां पर देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी सेम सेंटेंस है, पैटर्न सेम है, लेकिन यहां पर ऑल्दो जो है वो वेरी इंटरेस्टेड को इंट्रोड्यूस कर रहा है, यानी इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड क्लॉज, ठीक है। इसमें वेरी इंटरेस्टेड में क्या है कि रिड्यूस क्लॉज हम किसको बोलते हैं, इसमें वर्ब नहीं होती है, तो वेरी इंटरेस्टेड क्या है, ये भी एक पार्टिसिपल है, ये भी एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव किसकी विशेषता बता रहा है, ये रेमंड की, लेकिन ये ईडी फॉर्म में है, तो ईडी फॉर्म वाले एडजेक्टिव पास्ट पार्टिसिपल होते हैं, तो ये भी अल्टीमेटली इसी की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो इन कॉम्प्लिकेटेड नामों पर आपको नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट्स को समझना है कि इस तरह के क्लॉजेस को ऑल्दो और दो इंट्रोड्यूस कर सकता है। रेमंड ऑल्दो वेरी इंटरेस्टेड डिड नॉट शो एनी इमोशन व्हेन शी इनवाइटेड हिम टू गो फॉर ए वॉक, तो ऑल्दो वेरी इंटरेस्टेड ये हमने किसके लिए यूज किया है, ये पीटर के लिए यूज किया है, ठीक है। वेरी इंटरेस्टेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है जो कि रेमंड की विशेषता बता रहा है। देखिए यहां पर देखिए एक कार को कोई रेफर करते हुए बोल रहा है, दो मोर एक्सपेंसिव द न्यू मॉडल इज सेफर एंड मोर एफिशिएंट, नया मॉडल जो है वो सेफर है और ज्यादा एफिशिएंट है लेकिन मोर एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो मोर एक्सपेंसिव भी अल्टीमेटली एक एडजेक्टिव है, इसको हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, इसको इसके लिए एक्सपेंसिव क्या है, एक्सपेंसिव है नया मॉडल, और सेफर और मोर एफिशिएंट क्या है, ये भी नया मॉडल है, तो नया मॉडल जो सब्जेक्ट है इसके लिए ये एडजेक्टिव हम यहां पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। दो हमने इसलिए लगाया क्योंकि हम कॉन्ट्रास्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं यहां पर कि नया मॉडल जो है वो सेफर और मोर एफिशिएंट तो है लेकिन वो ज्यादा महंगा है, मोर एक्सपेंसिव है, तो इसलिए दो को और ऑल्दो को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ इसका मतलब ये भी हो सकता है, हम कॉन्ट्रास्ट के लिए बताते हैं ऑल्दो और दो को, और इसका मतलब होता है बट इट इज ऑल्सो ट्रू दैट, जैसे आप यहां पर देख सकते हैं करण इज कमिंग टू स्टे नेक्स्ट वीक ऑल दो आई एम नॉट श्योर वॉट डे शी इज कमिंग, करण मतलब आने वाली है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, ये सही है कि मैं श्योर नहीं हूं कि वो कब आएगी, तो ऑल दो का प्रयोग यहां पर इन स्पाइट ऑफ के लिए ही कर रहे हैं हम, तो ये सेंटेंस सही है।
वी डिड नॉट मेक एनी प्रॉफिट दो नोबडी नोज वाई। ये तो सिंपल कनेक्टर है, सिंपल सबऑर्डिनेटर की तरह हम इसका यूज कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस सही है। अच्छा, स्पेशली इन स्पीकिंग, हाँ ये दो का यूज है, और दो का एक मीनिंग होता है हाउ एवर या नेवरदलेस, और इसको हम सेंटेंस के एंड में यूज करते हैं। इट्स एक्सपेंसिव, एक व्यक्ति बोल रहा है इट्स एक्सपेंसिव, दूसरा व्यक्ति बोल रहा है इट्स नाइस दो। तो दो को हमने एक एडवर्ब की तरह इस्तेमाल किया है। ये नाइस क्या है, यहाँ पर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है एडवर्ब, तो इसलिए दो यहाँ पर एडवर्ब है। लेकिन इस तरह के केसेस में सेंटेंस के एंड में इसको हम लगाते हैं, ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इट्स एक्सपेंसिव, ये एक्सपेंसिव है, इट्स नाइस दो, मतलब लेकिन फिर भी ये, इसके बावजूद भी ये नाइस है, तो यहाँ पर इसका मतलब निकलता है हाउ एवर या नेवर द लेस, और एक एडवर्ब की तरह ये काम करता है। यहाँ पर ये नाइस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एडवर्ब, ठीक है। एज दो का क्या मतलब होता है, एज दो और एज इफ का मतलब होता है जैसे कि, ठीक है। यू लुक एज इफ यू हैव सीन अ घोस्ट, ऐसा लगता है कि तुमने एक भूत को देखा है। तो एज दो और एज इफ, इनका सेम मीनिंग निकलता है, एज इफ ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, ये सारे सेंटेंस एज दो और एज इफ के हैं। हाँ, ये एक इम्पोर्टेंट है। वी कैन यूज एज इफ एंड एज दो फॉलोड बाय ए नॉन फाइनाइट क्लॉज और ए प्रपोजिशनल फ्रेज। देखिए इस सेंटेंस को देखिए, शी मूव्ड हर लिप्स एज इफ टू स्माइल। तो एज इफ क्या है, सबऑर्डिनेटर है, जो कि नॉन फाइनाइट क्लॉज को और मेन क्लॉज को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी लॉजिकली ये सही है। ये है नॉन फाइनाइट क्लॉज टू स्माइल। नॉन फाइनाइट मतलब ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, यहाँ पर टू स्माइल ही आएगा। यदि आप यहाँ पर शी की जगह दे भी लिख दें तो भी यहाँ पर टू स्माइल ही आएगा, ठीक है। तो ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा, इसलिए ये नॉन फाइनाइट है, और नॉन फाइनाइट ये क्लॉज है। शी मूव्ड हर लिप्स एज इफ टू स्माइल, ठीक है, ये सही है। देवर शाउटिंग एज दो इन पैनिक। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसने प्रपोजिशनल फ्रेज को कनेक्ट किया है। ये है इन है इसमें प्रपोजिशन, और पैनिक को हम बोलेंगे, पैनिक एक नाउन है, तो ये हो जाएगा प्रपोजिशनल फ्रेज। प्रपोजिशनल फ्रेज को कनेक्ट कर रहा है एज दो इस क्लॉज के साथ, तो लॉजिकली यहाँ पर ये सही है, एज इफ और एज दो, ये इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को भी आप देख सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया है ऊपर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं, इन इनफॉर्मल इंग्लिश लाइक कैन बी यूज इन ए सिमिलर वे टू एज इफ। एज इफ के स्थान पर हम लाइक को भी यूज कर सकते हैं। इट कुड स्नो एट एनी मोमेंट, मतलब ऐसा लगता था कि किसी भी टाइम पर बारिश हो सकती है। तो लाइक का मतलब क्या है, एज इफ, ठीक है, इसके स्थान पर यदि आप एज इफ लगाएंगे तो इसका मतलब होगा कि एक ये मेन क्लॉज है और एक ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, इसको जोड़ दिया इसने लाइक ने, तो लाइक के स्थान पर आप एज इफ भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये एज इफ लगा हुआ है, इसका मतलब होता है जैसे कि। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट्स हैं, और आगे के जो वीडियो क्लासेस होंगे उसमें काफ़ी सारे मैं सेंटेंसेस लूँगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी लूँगा, उनको हम डिस्कस करेंगे, और एसएससी के टीयर 1 के टीयर 2 लेवल के कुछ सेंटेंसेस लूँगा मैं, और डिटेल में आपको मैं बताऊँगा, लेकिन बेसिक्स को समझना ज़रूरी है, ठीक है। कोई भी आपकी क्वेरी या डाउट है तो इन नंबर्स पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।